आरएसएस मुक्त भारत चाहते थे, संघ मुक्त भारत चाहते थे। इसीलिए कि ये सब गड़बड़ी जो होती है इनको सरल मार्ग मालूम ही नहीं। इतना दबाव का माहौल है कि मेरे चार मित्र जो मेरे साथ काम कर रहे थे डिफरेंट फील्ड में, उनको मारा गया। मैं इत्तेफाक से जिंदा हूं इसलिए आपको मिलता हूं, लेकिन मैं भी मरने को डरता नहीं। मैंने स्लोगन ली है कि ना पुलिस को डरूंगा, ना जेल को डरूंगा, ना मरने को डरूंगा। यदि ये तीन बात के डर हम छोड़ते हैं तो अभी किसका डर है? अभी देखिए कि ये जो 5 साल में, यानी 3 साल में सिर्फ आखिर से अंबानी की संपत्ति 3 गुना हो गई है, अदानी की संपत्ति 5 गुना हो गई है। ये जो कुदरत है ना, सब ये सब कुदरती संपत्ति आज 5 साल में जो इनके हाथ में नहीं गई, तो आप पूछो चल रहा है ये प्राइवेटाइजेशन करने का, विद्यापीठ में प्राइवेटाइजेशन करने का। और ईवीएम के बारे में इतना संशोधन हुआ है कि वो जो चिप बाहर से लाते हैं, चिप कल भी मैंने कहा, यदि वो चिप, वो बोलते हैं कि उसको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ईवीएम हैकिंग वगैरह सब बाकी बकवास है। हमने कल हमारा जो कहा है वो इंजीनियर या इंजीनियर ने ये हमको डेमो दिखाया, आप बटन दबाएंगे वोट बीजेपी को गया, आपको तसल्ली मिलेगी। काउंटिंग के समय वोट यानी दूसरे पार्टी को दिया हुआ वोट बीजेपी को जाता है। तो ये जो वेरी सिस्टमेटिक, और ये मोदी ने 2010 में काम शुरू किया, जिन कंप्यूटर इंजीनियर को बुलाया था वो हमारे मित्र हैं, और अब वो बंबई में आपको डेमोस्ट्रेशन डेमो देने वाले हैं कि मोदी ने क्या किया 2010 से, यही प्लानिंग किया। और ये प्लानिंग करके आप डरो मत, मोदी शाह का 10 साल का इतिहास है कि उन्होंने सरल काम कुछ गुजरात में किया ही नहीं। इसको मारो, इसको टपकाओ, अरे पुलिस कस्टडी भी लेके ये लोगों को मार रहे हैं, जेल से बाहर निकाल कर कहते हैं कि वो हमें मारने आए और उनको मार रहे हैं। यानी इनका एक भी सरल काम नहीं तो भी ईवीएम के माध्यम से वो देश पात्री पर हमें भारत में वही लेबोरेटरी चला रहे है। ये विभाजन करना, अभी मुझे मालूम हुआ कि इनका ईवीएम के बारे में अभी पहले 4 पेज का अभी मैडम ने ये किया, 371 कॉन्स्टिट्यूशन में वोटिंग कर रहे, काउंटिंग में गफलत है। 371, और वो बच्चा भी कहता था उनका कि 303 तो हम तो लेंगे, 330 तो हम तो लेंगे, ये कैसे कहते थे। तो ये सब मैनेजमेंट है, और मोदी शाह से आप देश के भले की एक कतरा भी नहीं हो सकता, वो बात कर छोड़ दो। हमें यदि हम तो ठीक है, मैं आप भाई 80 साल का हूं, हमारा क्या नुकसान होने वाला है? हम क्यों कर रहे हैं ये सब? हम इसलिए कर रहे हैं कि मुझे आपका भविष्य दिख रहा है कि आप लोगों को इस देश में गुलाम रहना है, गुलाम होके पढ़ना है। ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है ये इनको पसंद नहीं। मोदी चुन के आने के बाद सोशल मीडिया पर अल्टरनेटिव कॉन्स्टिट्यूशन का मसूदा घूम रहा है, बिल्कुल, क्योंकि वो तैयारी है। अब वो देखते हैं, टेस्ट करते हैं, प्रज्ञा को टिकट देके आतंकवादियों को हम सपोर्ट किया तो भी वो चुन के आती है कि अमित शाह को होम मिनिस्टर बना के, अरे जो तड़ीपार था, जो खुद गुनेगार है, जो खुद गुनी है, खुनी है, वो होम मिनिस्टर है। मोदी खुद जस्टिस सावंत और जस्टिस कृष्णा का रिपोर्ट है कि मोदी के खिलाफ जेनोसाइड का खटला होना चाहिए, 2002 के दंगले का। जस्टिस सावंत और जस्टिस कृष्णा है सबसे नेक जज की जजेस करके उन प्रसिद्ध थे, उन्होंने रिकमेंड किया है कि मोदी और शाह पर जेनोसाइड का खटला चलना चाहिए, और मोदी शाह को उनके जिंदगी में किसी भी दिन संविधानिक पोस्ट नहीं देनी चाहिए। ये रिकमेंड करते हुए उनको हमने पीएम और जज बनाया। क्या हमारे अवकाश, क्या हम कर रहे हैं, हम किसके दबाव में है? और ये सब अपोजिशन पार्टी को मैं कल से आह्वान कर रहा हूं कि अरे तुम घर में बैठेंगे तो सड़कें मरेंगे, तुम रास्ते पर आओ, हमारे साथ लड़के मरो और देश में देश का कारोबार सुधारो। सब अपोजिशन पार्टियों को मैं आह्वान करता हूं कि आप किसको डरते हैं और किस लिए डरते हैं? और ये चीफ जस्टिस जो खुद 2013 में कहता है कि दिस ईवीएम मशीन इज नॉट डिपेंडेबल एंड देयरफॉर ये वीवीपीएटी इज डिसीजन, वो चीफ जस्टिस आज बोलता है कि काउंटिंग करने की जरूरत नहीं। अरे तो एक डबल से एक ही आदमी दूसरा आदमी होता था, आई कैन अंडरस्टैंड व्यूज बदलते हैं, लेकिन सरकार के
तहत तुम्हारे व्यूज बदलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट कैसा होगा? तो हमें जैसा मेरा कहना सुप्रीम कोर्ट के बारे में, वैसा ही मेरा कहना इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ इलेक्शन का, चुनाव का मैनेजमेंट नहीं करना है, देश को विश्वास दिलाना है कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हुआ है, इलेक्शन में गड़बड़ी नहीं हुई है। ये पहली जिम्मेदारी बनती है इलेक्शन कमीशन की। वो क्या मोदी का गुलाम नहीं है? या हमारे जजेस तो मैं कहता हूँ वो ईश्वर के समान है, लेकिन वो ईश्वर बनने को तैयार नहीं। वही हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन भी ईश्वर के समान है, लेकिन उसको ईश्वर नहीं बनना है, गटार गंगा में नहाना है। तो हम सब आपको विनती करते हैं, आप घर घर जाओ, घर घर जाके ये देश की परिस्थिति समझाओ। ये जब कितने लोगों को मारेंगे, मैंने यहाँ जंतर मंतर पे कहा था कि अरेस्ट किसको किसको अरेस्ट करेंगे सब्जेक्ट का, तो मैंने बड़े हिम्मत से कहा था, मैंने कहा डरो मत, यही किसको अरेस्ट कर रहे हैं तो पहले मोदी और शाह को अरेस्ट कर रहा है, बाकी बात नहीं करेंगे। तो मोदी शाह को अरेस्ट करने को बोलने के बाद जो स्टेज पर थे उनको पसीना आए, मुस्लिम थे, मैंने कहा ये पार्लियामेंट में कौन बैठा है? मुस्लिम की मीटिंग में मैंने कहा कि ये पार्लियामेंट में कौन बैठा है, बैठा है, ये तो ढेर है, और हर मंत्री हम बैठे हैं कि इसको संरक्षण करो। तो ये सोचो, ये माहौल इतना खराब हो गया है, भारत 2014 के बाद और 2014 के पहले का भारत रहा नहीं। यदि आप सोएंगे तो भारत बर्बाद हो रहा है, हम सब बर्बाद हो रहे हैं। आज क्या हो गया है, नौकरी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी मिलती है, आपके सब सपने चकराचूर हो गए, आपके सपने सब बर्बाद हो गए। तो इसलिए हम बच्चों को अभी मैं देख रहा था, सैलाब जा रहा था बच्चों का सैलाब, लेकिन वो इसके तरफ देख भी नहीं रहे थे, बोर्ड पढ़ भी नहीं रहे थे, क्योंकि हमारी शिक्षा में कमी है। हम जन्म से यदि हमके बच्चों को पढ़ाएंगे कि हम पहले मानव है, मानवता ये हमारा धर्म है, भारत देश हमारा है, हम भारत के मालिक है, तो हमको कोई रोक नहीं सकता। जय भारत, जय भारत।